वेलकम गाइस इन टू जाइल्स। जैसा कि पता है आपको एमपीपीएससी प्री का एग्जाम बहुत ही निकट है, 25 जुलाई को होने वाला है। आज हम कुछ साइंटिफिक हैक लेके आए हैं जो कि आपको प्री के एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। देखिए, कुछ पहले तो ये समझिए कि ये जो हैक्स होती हैं क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए, आप एक वॉर में हैं, पहले ये समझिए आप एक वॉर में हैं। आपको आपका अपोनेंट कितने लेवल का है, किस लेवल का वो है, वो आपको सबसे पहले तो समझना है। मतलब कि कितना शक्तिशाली है आपका अपोनेंट, ये समझना है। देखिए, रामायण में जब राम जी ने बाली को मारा था तो वो उसके सामने नहीं गए थे, क्योंकि भगवान राम तो भगवान भगवान थे। उसके बाद भी उनको एक रणनीति बनाना पड़ा था, इसीलिए रणनीति की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होती है आपकी। भगवान राम बाली के सामने क्यों नहीं गए थे? भगवान राम बाली के सामने इसलिए नहीं गए थे क्योंकि बाली को एक वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जाकर जो भी युद्ध करेगा उसकी आधी शक्तियाँ बाली के पास चली जाएंगी। इसीलिए राम जी ने भी एक रणनीति बनाई और उसके तहत बाली का वध किया था। इसीलिए रणनीति की जो उपयोगिता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपने बहुत ही एक जो कहानी है आपने सुनी होगी कि अगर आपको एक पेड़ काटना है तो एक इंसान क्या करता है, 10 घंटे अगर पेड़ काटना है वो 10 के 10 घंटे लगा रहता है। जो आपकी आरी होती है एक्स, उसमें वो धार नहीं लगा रहा और बस वो लगा पड़ा है। एक इंसान क्या है, वो 9 घंटे पहले जो अपनी आरी है और जो जिस टेक्निक से काटना है उस पर वो 9 घंटे डिवोट करता है और 1 घंटे में पेड़ कट करके रख देता है। ये 10 घंटे में आधा पेड़ कट कर पाया, ये पूरा का पूरा पेड़ काट कर कट कर कट करके रख दिया। तो ये होती है आपकी रणनीति। एक प्रॉपर प्लान के तहत आप चलेंगे तो ही आप इस दरिया से गुजर पाएंगे। देखिए, ये जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा दरिया है और इस दरिया में पार होने के लिए आपको ये जो रणनीतियां हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसको निगलेक्ट आप कभी भी ना करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो, लेट सी वट ऑल आर द अप्रोचेज विच वी आर गोइंग टू सी फॉर MPPSC prelims. फर्स्ट अप्रोच इज अंडरस्टैंडिंग द एटिमोलॉजी। सो वॉट इज दिस एटिमोलॉजी, मतलब क्या एटिमोलॉजी, मतलब कि अक्षर का शाब्दिक अर्थ आपको समझना है। मतलब कि वो अक्षर अपने आप में कुछ ना कुछ आपको कहना चाह रहा है। देखिए, जबकि आप जब प्री देने जाते हो तो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ शब्दों का शाब्दिक अर्थ निकलता है। जैसे पिछले बार एक प्री में क्वेश्चन था कि कालिदास द्वारा रचित प्रेम प्रसंग से संबंधित रचना कौन सी है। उसमें ऑप्शन थे मेघदूत हो गया आपका, रघुवंशम हो गया आपका, मालविकाग्निमित्रा हो गया और एक और कोई ऑप्शन था। ठीक है, अब मालविकाग्निमित्र, देखिए यहाँ पे एक मालविका याद आ रहा है उसमें और यहाँ पे आ रहा है अग्निमित्र। तो इसमें नाम से पता चल रहा है कि मालविका और अग्निमित्र की ये प्रेम कथा हो सकती है। बाकी मेघदूत में कुछ नहीं था ऐसा, रघुवंशम में कुछ नहीं था ऐसा, थर्ड ऑप्शन में कुछ नहीं था ऐसा। तो अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन आपने नहीं भी पढ़ी हुई है, फिर भी एटिमोलॉजी का अर्थ समझ के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये एक हैक है, ऐसे दिमाग को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो MPPSC प्री है 75+ तो आपको अब अचीव करना ही करना है, क्योंकि कट ऑफ इतनी जानी ही जानी है। ठीक है, और आप 70 क्वेश्चन तक पहुंच गए। अब 5 क्वेश्चन जो आपको सही करने हैं वो इन्हीं सब अप्रोच से सही होंगे, लेकिन 70 तक तो आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन से, एक्चुअल नॉलेज से पहुंचना ही पहुंचना है। लेकिन 5 से 10 क्वेश्चन आप, 10 से 20 नंबर आप पूरी तरीके से इससे अचीव कर सकते हो। देखिए, ये आपके दिमाग में हो सकता है ना रहा हो, एटिमोलॉजी को समझना अब आपके दिमाग में आ गया है। तो आप जब भी अब ऑप्शन देखोगे तो एक बार एटिमोलॉजी जरूर देख लेना, अगर आपकी आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। दूसरा देखो, मैच द फॉलोइंग जो होता है, जनरली दे इंटरचेंज 2 ऑप्शंस। मतलब क्या, अगर आपका ABCD दे रखा है तो वो 2 ऑप्शन जनरली चेंज कर देते हैं। तो ए का, या तो मोस्ट ऑफ द, मतलब 80% केसेस में आप देखोगे ए का बी और बी का 1 मिलेगा, सी का इधर 4th नंबर और डी का आपको 3rd नंबर मिलेगा। ट्राई करके देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के मैच द फॉलोइंग में सॉल्व करके देखिए, आपको 80% चांस में ऐसा मिलेगा। जब आपको नहीं आ रहा तब ये अप्रोच करना है, अगर आपको आ रहा है तो आप वेल एंड गुड उसी में जाइए, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर इस पे जा सकते हैं। एक बार ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आपको क्या करना है, रीच 50-50 एलिमिनेशन। एलिमिनेशन एक ऐसा कारगर उपाय है, अगर हम बोलें कि तुक्का मारने की टेक्निक्स में सबसे अच्छी जो टेक्निक होती है वो एलिमिनेशन होती है। मतलब कि आपके एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं,
अब आपको चार में से दो ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कर देगी, दो ऑप्शन तो इजिली आप एलिमिनेट कर दोगे। उसके बाद इन दो ऑप्शंस में आप जाइए, इनमें से किसी एक को आप चूज कर दीजिए, थोड़ा सा भी जो अंदर से आपको लग रहा है सही हो सकता है उसको मारिए। अब आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस 50% हो गए। पहले आपका क्या था, ये 25 था, 25 था, 25 था, 25 था, अब ये जब दो आप हटा दिए तो 50% आपके चांसेस हो गए क्वेश्चन को सही करने की। तो ये अप्रोच आपकी बेस्ट अप्रोच है, इसके लिए आपको जाना ही जाना है। फिर अगर चौथी अप्रोच आपकी ये है कि अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं पता है, एक दो तीन चार, अब ब्लाइंड तुक्का मारना है, जो कि देखिए क्योंकि हम नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कहीं ना कहीं आपको ये होगा कि ब्लाइंडली जाना है, तो आप बी और सी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि साइकोलॉजी में फर्स्ट और फोर्थ बहुत कम ऑप्शन रखते हैं, वो सेकंड और थर्ड में ही जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड ऑप्शन बहुत ज़्यादा सही होता है। तो अगर आपको ब्लाइंड तुक्का किसी मारना है तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, बिल्कुल। फिर आपको क्या करना है, एनालाइज पेपर देखिए कुछ क्या होता है, कुछ ऑप्शंस में अगले क्वेश्चन के आंसर छुपे होते हैं, तो आपको एक बार अच्छे से एनालाइज करना है, क्या पता किसी क्वेश्चन के एक ऑप्शन में दूसरे क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ हो। अभी ये हम सारी अप्रोचेस को क्वेश्चन में लगा के आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, पहले आप देखते चलिए कि कौन कौन सी अप्रोच हो सकती हैं। इसको पॉइंट आप थोड़ा सा शॉर्ट नोट तरीके से लिख लीजिए, या तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ये हैक्स आप जरूर से जरूर दिमाग में रखिएगा, जब आपका 60 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, आपको 10 क्वेश्चन की जरूरत पड़ रही है, 15 क्वेश्चन की जरूरत पड़ रही है, तब आपको एलिमिनेशन ये सारे हैक बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। एक बार आप जो मॉक लगा रहे हैं उसमें आप 60 क्वेश्चन सही करिए, फिर आप बचे हुए 40 क्वेश्चन में इस हैक के साथ जाइए, आपको देखने को मिलेगा 20 क्वेश्चन तक आप सही कर जाओगे, और 60+20 80 क्वेश्चन आप सही करोगे और आपका प्री आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक और बेस्ट अप्रोच आपकी होती है ऑड वन आउट, मतलब कि एक क्वेश्चन है उसके चार ऑप्शन दिए होंगे, इसको हम अभी प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे, नीचे क्वेश्चन में दिखाएंगे आपको कि कैसे ऑड एंड आउट लगाना है। उसमें क्या होगा कि एक ऑप्शन आपका अलग दिया होगा, तीन ऑप्शन सेम होंगे, तो आपको क्या करना है, कभी कभी क्या होगा कि ये जो एक अलग दे रखा है यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर देखिए बिल्कुल अगली अगली जो आपकी ट्रिक है वो है कि टू सिमिलर ऑप्शंस, मतलब कि इन चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शन में सेम वर्ड दिए होंगे और दो ऑप्शन अलग होंगे, या सन है तो यहाँ पे देखिए 1947 वाले दो दिए होंगे, फिर ये 1956 दे रखा होगा, तो जहाँ पर दो सिमिलर ऑप्शंस दे रखा हुआ है मोस्ट प्रोबेबली उसी में से कोई एक होगा, 90% चांसेस में वही ऑप्शन सही होता है। तो क्योंकि क्या है, आयोग या कोई भी क्वेश्चन बनाने वाला आपको क्या करना चाहता है, आपको कन्फ्यूज करना चाह रहा है, तो आपको इन दोनों में जाना चाहिए। देखिए पहले आपके 25% चांसेस सही होने के, जब दो ऑप्शन तक आप पहुंच गए बिल्कुल भी नहीं पता, उसके बाद भी आपके 50% चांसेस हो जाते हैं सही करने के। इस मेथड के साथ जाएंगे 50% चांसेस है कि आप क्वेश्चन सही करके आओगे, बिल्कुल अप्लाई करिए। ये जो हैक्स हैं ये आप जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं बिल्कुल भी उसके लिए हैं। तो आप बिल्कुल जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसके लिए इन अप्रोचेस को लगाइए, 50 से 60 मॉक जो आपको लगाने के हमने कहा था उसमें अगर आपने ये लगाया होगा, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है, बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट मिला होगा, क्योंकि माइंडसेट ही सब कुछ होता है, माइंडसेट बनाने के लिए ये जो हैक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कारगर साबित होते रहे हैं। अगली अप्रोच आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए अगर साइंस एंड टेक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई और भी क्वेश्चन, अगर कहीं पर आपको ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है तो 99% केसेस में ये आपका सही होगा, ऑल द अबव इन्फॉर्मेशन, खासकर से PCS एग्जामिनेशंस में ये बहुत ज़्यादा सही होता है, UPSC के एग्जामिनेशंस में जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है उसमें ऑल ऑफ द अबव 90% चांसेस में सही होता है, नन ऑफ द अबव कभी भी नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना है। नन ऑफ द अबव अगर आपका आ रहा है तो 100 में से 90 बार नन ऑफ द अबव ऑप्शन होगा ही नहीं, तो एक ऑप्शन आपका सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएगा, इसके साथ आप कभी भी नहीं जाइएगा। इसके अलावा जो बचे हुए तीन ऑप्शन है उसके साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं 90% चांसेस में, 10% चांसेस की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल 90% के साथ आप जाइए, जब आपसे कुछ भी नहीं बन रहा है वहाँ पे 90% अगर आपके सही होने के चांसेस हैं तो आप इन हैक्स के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। दसवां देखिए, परसेंटेज टर्म में अगर कुछ पूछा हुआ है तो आपको स्मॉल स्टेट, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट या स्मॉल कंट्री के साथ जाना है, मतलब कि इनमें से सबसे ज़्यादा परसेंट किसका होगा, और ऑप्शंस में जो सबसे छोटी कंट्री, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट या सबसे छोटा स्टेट होगा आपको उसको ही लगाना है अगर परसेंटेज टर्म में पूछा हुआ। अगर एब्सोल्यूट टर्म पूछा हुआ है कि जैसे सबसे ज़्यादा GDP किसकी है तो USA की बोलेगा, ठीक है, तो बड़े अगर एब्सोल्यूट टर्म में पूछा हुआ है तो आपको बड़े कंट्री, बड़े स्टेट,
बड़े डिस्ट्रिक्ट साथ जाना है, और अगर परसेंटेज टर्म में पूछा है तो आपको स्मॉल डिस्ट्रिक्ट स्मॉल स्टेट स्मॉल टर्म साथ जाना है। कथन वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, कथन वाले अगर प्रश्न आपके आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, वो जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अगर स्टेटमेंट दे रखी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो दो स्टेटमेंट को गलत करता है, दो स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर देता है, तो तीन ऑप्शन सही होंगे। तो आपको अगर ये पांच स्टेटमेंट वाला है तो जिसमें तीन ऑप्शन सही हैं उसके साथ जाइए, अगर आपका तीन वाला क्वेश्चन है तो उसमें क्या है, देखिए दो को एक्सचेंज करेगा तो एक इन्फॉर्मेशन मतलब ओनली वन करेक्ट, ये वाला सही होगा, आपको उसके साथ जाना है। बिल्कुल ये अप्रोच आप लगाइए, आपको देखने को मिलेगा कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके एकदम सही हो जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार जो अप्रोच हम लोगों ने अभी तक थ्योरेटिकली देखी है उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, हमने बताया आपको कि नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, नन ऑफ द अबव आप निकाल दीजिए और ऑल ऑफ द अबव मतलब बोथ सही, ये ज़्यादातर चांसेस में ये सही होता है। तो देखिए यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है, ये MPPSC प्री का क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर दो आपके ऑप्शन सही सिमिलर दिख रहे हैं, यहाँ पे 22 अप्रैल, देखिए यहाँ पे भी अप्रैल यहाँ पे भी अप्रैल, तो दो अप्रैल वाले हैं, जून मार्च अलग है आपका, तो इन्हीं दो में से कोई एक सही होगा, 22 अप्रैल सही है। देख रहे हैं ये जो ट्रिक्स हैं ये एनालाइज करके बनाई गई हैं। 25A क्वेश्चन पेपर का क्रक्स देखा गया है कि एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कैसे कर रहा है, ये आपको पकड़ लेना है कि एग्जामिनर एक्चुअल में कैसे कैसा थिंकिंग के साथ आपके ऑप्शन सेट कर रहा है, ये अगर आप पकड़ लिए तो आपका बिल्कुल पूरी तरीके से निकल सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए जो हमने बताया कि दो सिमिलर वाला वेब स्पाइडर वेब मैनेजर, आपको बिल्कुल भी नहीं पता वेब क्रॉलर क्या होता है, आप वेब स्पाइडर के साथ जाइए या वेब मैनेजर के साथ जाइए, 50% चांसेस है कि आप सही करोगे। अगर आप इनके साथ जा रहे हो तो आपके 25% चांसेस है कि आप सही करोगे, तो आप इसके साथ जाइए ना, वेब स्पाइडर इसका सही ऑप्शन होगा। फिर देखिए आप ये देखिए मेक इन इंडिया, इसमें भी आपको कुछ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे भी सितंबर 2014 यहाँ पे जनवरी 2014, इन दो में से ही आपका सही होगा। देखिए 2014 सेम है, इन्हीं दो में से कोई एक होगा, ये 50% चांसेस, अगर बिल्कुल भी नहीं पता है तो आपके हो गए सही करने की। और देखिए आपको क्वेश्चन और दिखाते हैं, ये देखिए ऑड वन आउट, मतलब कि अब आपको ये दिख रहा है कि चंद प्रद्योत मध्य प्रदेश के थे, मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ अवंती ही थी, काशी अपने यहाँ की नहीं है, अगर आपने अपने मध्य प्रदेश की नहीं है, महाजनपद नबज्जी है, तो अवंती इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नहीं भी पता है आपको तो आप इसके साथ जाइए, ऑड वन आउट, ये प्रूवन हैक्स हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हमने हवा में बातें कर रहे हैं। अब देखिए क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए सबसे बेस्ट तकनीक क्या होती है, एलिमिनेशन, एलिमिनेट आप कैसे करोगे आपको अभी अभी बताते हैं। एलिमिनेशन के थ्रू आप ऐसे इसको सही कर सकते हो कि आपको बस एक भी अगर पता, जैसे स्वदेशी मूवमेंट आपको पता है सबसे पहले हुआ था बंगाल विभाजन के बाद, तो चार आपका पहले आएगा, मतलब ये गलत हो गया ये गलत हो गया, अब दो में से एक आप 50% पहुंच चुके हो। इसके बाद देखिए दो तो दोनों में सेम है, इसको निकाल ही दीजिए, फिर एक या तो तीन, अब एक आपको डांडी मार्च है, तीन आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, अब आपको ये पता है क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे बाद में होता भारत छोड़ो, तो तीन को सबसे बाद में ले जाइए, तीन सबसे बाद में है, ये आपका सही हो गया। नहीं भी पता है एक ऑप्शन, अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है जनरल, जैसे कि अगर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी है एक ऑप्शन की भी, तो आप क्रोनोलॉजी में अरेंज कर लोगे, ये होता है एलिमिनेशन मेथड। आपको बहुत ही ज़्यादा लगाना है ये एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि भैया PSC एक दरिया है, इससे पार होना इतना आसान नहीं। अब देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट आपने नहीं पढ़ा है, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री आपकी बहुत वीक है, लेकिन आपको ये पता है कि भारत छोड़ो जो, आपको बस इतना पता है कि 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, और ये इससे पहले का ही होगा। दूसरी बात यह कि ये सबसे बाद में आया था, तो सबसे बाद में क्या दिख रहा है आपको 1942, तो यही इसका ऑप्शन सही होगा। ये MPPSC प्री का आया हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप ये हैक्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हालांकि ये सबको पता होगा कि क्विट इंडिया 1942 में आया था, लेकिन किसी की मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल भी वीक है, वो भी वो इंसान भी अगर उसको इतना पता है कि 1947 में भारत आज़ाद हो गया था और उससे पहले गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, तो उसके पहले देखिए 1945 में हो नहीं सकता, 1929 में हो नहीं सकता, 1942 ही बचता है, क्योंकि गांधी जी का ये सबसे लास्ट आंदोलन है जिसने भारत को स्वतंत्रता दिला दी थी। ये होता है एलिमिनेशन के थ्रू आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है ये, देखिए यहाँ पे भी थर्ड बैटल और पानीपत पूछा हुआ है, दो ऑप्शन आपको सेम दिख रहे हैं 1761 1761, तो आपको बस दो ऑप्शन जो सेम है उन्हीं में जाना है, 50-50 चांसेस आपके हो गए। अब आप ये कहोगे 50-50 में गलत हो सकता है, अरे यार तो जब आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, जहाँ 25% आप ABCD जय माता दी लगा के करने जा रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपको 50-50 चांसेस मिल रहा है तो क्या बुराई है, 50% चांसेस तो हैं आपके सही होने के। और ऐसा नहीं है कि आप 20 में अगर 50-50 लगा रहे हो तो 10 सही नहीं होंगे, 10 बिल्कुल सही होंगे, जहाँ आपको एक भी नहीं मिलने वाला था वहाँ पे अगर 10 मिलना है तो बहुत बड़ी बात होती है ये, ठीक है। 14 जनवरी इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट में हम बताते हैं थोड़ा सा कि आपको पेपर को अप्रोच कैसे करना है,
देखिए, पेपर को अप्रोच करने की जो बेस्ट साइंटिफिक मेथड होता है वो ये होता है कि जैसे 2 आवर का आपका पेपर है, मतलब 120 मिनट, आपको क्या करना है, पहले 40 मिनट तक आपको जो आपसे बन रहे हैं एक बार गो थ्रू, आप 1 से लेके 100 तक हो आइए। देखिए, अगर क्वेश्चन एक भी आपको गलत लग, कोई कोई बोलता है 20 से शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं, 20 से आपको क्या मतलब, क्यों शुरू करना, पहले शुरू करिए, आपको जो बनना, देखो जो नहीं बनना है उसको आप सीधे देखिए, अच्छा यार इसमें टाइम लगने वाला है, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ते जाइए। अब पहले 40 मिनट में हम कह रहे हैं आप केवल और केवल 35 क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, 35 एकदम सही वाले जो आपको श्योर शॉट आते हैं वो आप अचीव कर दिए। उसके बाद आप क्या करोगे, अगले 20 मिनट में आप जिसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न आ रहा है उसको करिए, उसको एलिमिनेट करिए, ये जो हैक्स हैं इसको लगा के आप सॉल्व करिए, ठीक है, आप 60 तक पहुंच गए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगले बचे हुए क्वेश्चंस में जो आपको तुक्के लगाने हैं, तुक्के लगाने के लिए आप क्या करेंगे कि यही मेथड आपको फॉलो करना है कि आप एलिमिनेट करने का ट्राई करिए कि एक ऑप्शन, कम से कम एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो, फिर आप 50-50 में पहुँच गए, 50% चांसेस हैं। 50 मतलब देखिए, अगर आप एलिमिनेट 80 क्वेश्चन कर चुके हो जिसमें 60 आप सही कर लिए हो, 20 क्वेश्चन में अगर आप 50-50 लगा रहे हो तो प्रोबेबिलिटी के थ्रू भी यही बोला जाता है प्रायिकता कि 10 क्वेश्चन आपके सही होंगे, 10 क्वेश्चन आपके गलत होंगे, अगर 50-50 करके आप इसको सॉल्व कर रहे हो, 10 क्वेश्चन सही हो गए आपके तो देखिए 70 में आप पहुँच गए। ये अप्रोच आपको लगानी है। दूसरी बात ये, लास्ट टाइम बचा हुआ है, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन अपना हाई रखना है। आपको किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, आप उसको ज्वाइन करिए। FB की लिंक है हमारे में, FB ग्रुप की लिंक है, वहाँ आप हमको मैसेज कर सकते हैं। WhatsApp की लिंक है, आपको पर्सनल हमको टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, चैनल के अबाउट में आपको मिल जाएगा। EDU Agile की पूरी टीम समर्पित है, पिछले हम लोगों ने 1 महीने में इतना अच्छा ये कोर्स, छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो वाले कोर्स लेके आए हैं, इतना अच्छा इसका रिस्पांस मिला है आप सभी का, हम लोगों को इसमें ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है आप सबका, और बहुत सारे बच्चों के कॉल क्वेरी के क्वेरी आए हुए हैं जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई है। देखिए, बच्चों को क्या हो रहा था कि 50-45 नंबर केवल वो अचीव कर रहे थे, उसके बाद उनके अभी 65 से 75 के बीच में आ रहे हैं, अभी भी वो लगे हुए हैं और वो 80 क्वेश्चन का टारगेट कर रहे हैं, 80+ तो मॉक में लाना ही लाना है, उसके बाद आप जब उतरोगे अपने एग्ज़ाम में तो आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। लास्ट बात ये कि आपको लड़ना नहीं है, देखिए आप प्री देने जा रहे हो, 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, आप अपने आप को एक रॉ एजेंट, एक CID एजेंट मानिए कि हमको सस्पेक्ट पता है कि इन 4 लोगों पे हमको शक है, कैसे हम इसको, इस पजल को क्लियर करके एक क्रिमिनल है ये बता दें, बस आपको ये करना है। सामने आपके सस्पेक्ट पड़े हुए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग काम करिए, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाइए, लॉजिकल पावर को आपको ब्रशअप करना है यहाँ से, और इन 4 सस्पेक्ट में से एक सही को आपको चूज कर लेना है, ऐसे ही 100 में से आपको 80 सही निकाल देने हैं। आप लोग तो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, बिल्कुल निकाल ही लेंगे, हमको पता है, पूरी EDU Agile टीम आपके लिए लगी हुई है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसा भी है जो भी है, करंट कहाँ से करना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लेके आने वाले हैं, उसके लिए परेशान आप नहीं होइए। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो हम एक PDF के थ्रू आपको शॉर्ट नोट्स, सिर्फ और सिर्फ 5 करंट में, सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक कवर करने हैं। अगर आपको करंट में दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, बिल्कुल हम सेपरेट एक वीडियो बना देंगे या आपको कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे, सिर्फ एक दिन में आप 5 घंटे दीजिएगा, पूरा का पूरा करंट अफेयर आपका MP+ India का कवर हो जाएगा। रोजगार निर्माण सीरीज भी हमारी आने वाली है, एक दिन में आपको कंप्लीट हम रोजगार निर्माण कवर करा देंगे, और 25 ईयर क्वेश्चन पेपर का क्रक्स हम 1-2 5 ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं, उसका भी एक क्रक्स आपको हम देने वाले हैं, PDF के थ्रू आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप अवेल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करिए। लेट्स यूनाइट टू क्रैक, यही हमारा ध्येय है कि इस बार हमारे बच्चों का सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन हो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर मेंस का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आ रहा है, उस मच अवेटेड प्रोग्राम, बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रक्चरली कंप्लीट कोर्स हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उसके लिए भी आप इनरोल कर सकते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।